बीच के अंदर हम बीच में करते हैं और कितने वीक्स पे 37 मतलब उस पर आपने जो है ना वो उसकी उसमें ये है कि पेशेंट की ना APH की हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए पहले, ठीक है, प्लेसेंडा प्रीविया नहीं होना चाहिए, कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो होती है, हाँ, स्कार यूट्रस में नहीं करना, ठीक है, पेशेंट की लीकिंग की हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसमें जो होता है ना वो आपने सबसे पहले जो है ना पेशेंट को लाइकर एडुकेट होना चाहिए, ठीक है, ओलिगो नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब पेशेंट ना आपके पास पेशेंट आते हैं ना, आपने सबसे पहले उसका CTG ट्रेस करना है, ठीक है, उसमें आपने देखना है कि CTG जो है ना वो रिएक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। CTG रिएक्टिव के बाद आपने जो है ना वो पेशेंट को क्या करना है, अच्छा ब्रीज है ना, एक तो आपने अच्छा ऐसे पड़ा होगा, ऐसे होगा ना, मुझे ऐसे जैसे भी आपको तो नहीं पता है कौन सा ब्रीच होगा, ठीक है, वो तो आपको या फिर स्कैन पे आपको पता चलता है, लेकिन यहाँ पे इतना अच्छा ब्रीच का स्कैन नहीं होता जिसपे आपको ये पता चल जाए, ठीक है। अच्छा, आपने जो है ना CTG कर ली, उसके बाद जो है ना वो आपने अपना यहाँ पे आपने हेड को फील करना है, ठीक है, ये बेबी का हेड होगा, ठीक है, एक आपने हाथ जो है ना वो यहाँ बटक पे रखना है और एक हेड पे रखना है, ठीक है, और आपने ना मतलब प्रेशर अप्लाई करना है इस तरह के ना, बेबी का हेड जो है वो फ्लेक्स पोजिशन में हो, ठीक है, और उसको रोटेट करने की कोशिश करनी है कि जो हेड है ना वो टूवर्ड्स द पेल्विस चला जाए, ठीक है, और वो आपने प्रेशर जो है ना वो 10 मिनट्स तक जो है ना वो आपने प्रेशर अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, अगर उसके बाद जो है ना वो आपने अच्छा आपने सस्टेन प्रेशर जो है वो अप्लाई किया, ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि हाँ जी वो जो है ना वो हो गया कि फैलिक हो गया, नहीं, हाँ मतलब वो इस बेबी के फ्लेक्स हेड की पोजिशन, मतलब एक्सटेंडेड ना हो, ठीक है, फ्लेक्स पोजीशन, ठीक है, उसके बाद जो है ना वो आपने अच्छा उसके बाद आपने पोजीशन चेक करनी है, ठीक है, 10 मिनट से ज़्यादा आपने जो है ना वो प्रेशर नहीं अप्लाई करना, ठीक है, आपने जो उसके बाद आपने स्कैन अल्ट्रासाउंड पोजीशन चेक करनी है और साथ जो है ना वो आपने CTG ट्रेस दोबारा निकालना है, ठीक है, पेशेंट को आपने थोड़ी देर रखना है अपने पास ऑब्जर्व करने के लिए कि पेशेंट को कोई स्पॉटिंग तो नहीं हो रही, पेशेंट को लीकिंग, क्योंकि इसमें बाद में लीकिंग भी हो सकती है, APH भी हो सकता है, ठीक है, और अब्रप्शन भी हो सकती है, ठीक है, और साथ जो है ना वो आपने पेशेंट को अच्छा इसमें आपने जो है ना पेशेंट को पहले नेफिडिल भी देने होते हैं टू क्वालिटी के एजेंट जो थे ना जो उसको रिलैक्स करने के लिए यूट्रस को, और उसके बाद आपने पेशेंट को कहना है कि कोई भी बाद में कॉम्प्लिकेशन हो तो आपने वो दोबारा रिपोर्ट करना है, इसी में बस यही है मैम। यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे करते हैं